हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम कार कैनवास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और आज बहुत दिन बाद, मतलब 79 डेज बाद आज आए हैं फिर से कलेक्शन दिखाने के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण हम वीडियो नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से हम लोगों का जो स्टॉक है वो स्टॉक दिखाने वाले हैं। तो चलिए चल के शुरू करते हैं आज का जो गाड़ी दिखाने वाले हैं। उस गाड़ी के ऊपर आप लोग लोगो देखते ही तो आप लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा गाड़ी आज हम दिखाने वाले हैं। आ जाते हैं गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। ये 2021 का गाड़ी है, 2026 तक इसका टैक्स पे किया हुआ है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 42,000 किलोमीटर चला हुआ है और ये मॉडल है SX ऑप्शनल, मतलब टॉप वेरियंट गाड़ी है। इसमें आपको सनरूफ वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प से लेके डिफॉगर वगैरह सब कुछ, मतलब गाड़ी फुल फीचर्स लोड है। और एक खासियत होने वाला है, ये IMT मॉडल है, मतलब ना मैनुअल है ना AMT है। ये IMT का मतलब हम बोल रहे हैं इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें आपको गियर मिलेगा बट विदाउट क्लच, बहुत ही रियर मिलता है, ठीक है। तो चलिए चल के इसका इंटीरियर दिखाते हैं, इसका इंटीरियर का लुक कैसा दिया हुआ है। इसका जो इंटीरियर का लुक दिया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। आप लोग देखिएगा तो मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका इंटीरियर का लुक कैसे दिया हुआ है। आप लोग खुद देखिए कि इसका इंटीरियर का लुक कैसे दिया हुआ है। स्टीयरिंग कंट्रोल से लेके टच स्क्रीन, ऑटो क्लाइमेट, AC, एयर बैग, मतलब हर कुछ फीचर्स इसमें लोड है। और जैसे कि बोले हैं हम सनरूफ है, आप लोग देख ही सकते हैं इसमें सनरूफ है। और चला हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिए, 43,451 किलोमीटर चला हुआ है। तो इसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल से लेके हर कुछ मिलेगा। जैसे कि बोले हैं कि ये मैनुअल, देखिए गियर इसका है बट विदाउट क्लच। आप लोग देख लीजिए, इसमें क्लच नहीं है, ठीक है, विदाउट क्लच है। तो कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम से लेके हर कुछ है। जो जैसे कि बोले हैं कि इसमें कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम से लेके हर कुछ है। आप लोग खुद देख लीजिए इसका इंटीरियर का कंडीशन कैसा है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है गाड़ी। और आ जाते हैं इसका पीछे के साइड में, पीछे के साइड का लुक आप लोग खुद एक बार देख लीजिए, पीछे के साइड का लुक कैसा है। पीछे के साइड का भी लुक बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप लोग खुद एक बार देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है, फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है आप लोग। और टायर भी एक बार देख लीजिए, डायमंड कट अलॉय के साथ टायर, कंपनी फिटिंग में जो टायर है वही टायर लगा हुआ है। और ऊपर से ये टर्बो है, BS6 गाड़ी है। तो गाड़ी में सारा फीचर्स लोडेड है, फीचर्स के बारे में कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं डिक्की, इसका डिक्की का स्पेस काफी बड़ा है, आप लोग खुद देख सकते हैं इसका डिक्की का स्पेस काफी बड़ा है। और टायर ब्रांड न्यू है, इसका जो स्टेपनी है वो पूरा ब्रांड न्यू है, वो देख सकते हैं। कहीं तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं है गाड़ी में, गाड़ी फुल ओरिजिनल पेंट में खड़ा है। और इस साइड का लुक आप लोग एक बार खुद देख लीजिए, इस साइड का लुक कैसा है। इस साइड का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है, और ये गाड़ी का जो लुक दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो गाड़ी के बारे में जितना भी बोले वो बहुत ही कम है, ठीक है। अभी आप लोगों को इंजिन स्टार्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर दिखा दिए हैं, आपका इंटीरियर दिखा दिए हैं। तो अभी इंजन स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका इंजन का साउंड कैसा है। 43,000 में हुंडई का गाड़ी कुछ नहीं होता है, फिर भी आप लोगों का मन का संतुष्टि के लिए दिखा देते हैं। इसका इंजन का साउंड देखिए, बहुत ही अच्छा है। और इंजन जब खोलेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा पूरा ब्रांड न्यू है। आप लोग खूब देख लीजिए, ये GDI इंजन है, टर्बो, तो बहुत पावरफुल है। इसका आपको पेट्रोल में माइलेज मिल जाएगा 14 से 15 आराम से, सिटी में माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। पूरा ब्रांड न्यू जैसे रखा हुआ है और फुल कंपनी में सर्विस हुआ है, विदाउट मतलब कंपनी के अलावा सर्विस ही नहीं हुआ है गाड़ी का। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं, 2021 का गाड़ी है, 21 मार्च का गाड़ी है, 2026 तक इसका टैक्स पे किया हुआ है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 43,000 किलोमीटर चला हुआ है, IMT मॉडल है, ठीक है। और
गाड़ी फर्स्ट ओनर है, 43,000 किलोमीटर चला हुआ है। गाड़ी के बारे में जितना भी बोले वो बहुत ही कम है। तो अभी आ जाते हैं लोन फैसिलिटी वगैरह लेके। आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि हम लोगों के यहाँ पे ऑल इंडिया लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। इंडिया पे कहीं पे भी बैठे रहिए, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल सही रहा तो हम लोग लोन करवा देंगे, लोन में कोई इशू नहीं होगा। और एनओसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एनओसी के लिए भी कोई इशू नहीं होगा। ऊपर में मेरा दिया हुआ है नंबर, आप लोग नंबर पे कॉल कीजिए। हम लोगों के पास सिर्फ एक गाड़ी नहीं रहता है, 45 गाड़ी रहता है, हर बजट का गाड़ी रहता है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद नहीं है, दूसरा गाड़ी पसंद है, तो वो गाड़ी के लिए भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। एनओसी आप लोगों को 7 डेज के अंदर मिल जाएगा, उसके लिए कोई मतलब इशू नहीं होगा। मतलब पेपर वर्क हैसल फ्री, कुछ इशू नहीं होगा पेपर वर्क के लिए, ठीक है। तो गाड़ी का लोन के बारे में बता दिए, एनओसी के बारे में बता दिए है, ऑल इंडिया लोन फैसिलिटी मतलब पैन इंडिया लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। सिर्फ ये गाड़ी नहीं है, बहुत सारा गाड़ी का कलेक्शन हम लोगों के पास रहता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कभी भी वीडियो पे प्राइस नहीं देते हैं। प्राइस के लिए आप लोगों को ऊपर में जो नंबर है, नंबर पे कॉल कीजिए तो आप लोगों को प्राइस के लिए पता चलेगा। अगर गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग जानना चाह रहे हैं तो बेझिझक होके कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते।